छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा एनएमएनएम ओरिजिनल। नमस्कार नमस्कार। नहीं नहीं, अरे पैर मत छुए, बस बस। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए, पप्पी कौन लेता है ऐसे? नो नो फोटो प्लीज, नो नथिंग, थैंक यू। नहीं नहीं, रील्स नहीं, मैं रील्स नहीं बनाता, थैंक यू वेरी मच। अरे छोड़िए मेरे पांव, आप क्या कर रहे हैं? नमस्कार मंडली, कसा गाय, पहचाना मेरे को? अरे मैं आम, नहीं नहीं आम आदमी नहीं, आम यानी की मैंगो, फलों का राजा आम सिंह। वो क्या है ना कि गर्मियां यानी कि ताजे रसीले आम का सीजन। बड़ी बड़ी हीरोइनी बहुत बड़ी फैन है हमारी, क्योंकि हम है अल्फांसो आम, बोले तो फलों के राजा बादशाह, आई एम द किंग, अरे घंटे का किंग। अरे ऐसा बस लोगों को लगता है रे। अरे हम कोई किंग विंग नहीं है यार, आप ही बताइए, कभी ऐसा कोई किंग देखा है भला जिसे लोग बिना डरे पत्थर मारते हो? वैसे वो सालाना खतरनाक टाइम आ चुका है, समर वेकेशंस, लोगों के लिए हॉलीडेज और हमारे लिए हॉरर डेज। अब फिर से वही पुराना शोर शराबा, वही पुराना हल्ला, न जाने कितने मोहल्ले के बच्चे एक साथ हम पर हमला कर देंगे। कोई हमारे हाथ तोड़ेगा, कोई टांगे, कोई सर फेरे तो हमें चूसते हुए एक दूसरे से कहेंगे, अरे शर्मा जी कुछ भी कहिए, मैंगो है तो किंग। कितने अबला और मजबूर किंग हैं हम, देख रहे हैं आप? अरे राजा की तो इज्जत होती है ना, उसके स्वागत में 56 भोग परोसे जाते हैं, और एक हम हैं, हमारे खुद 56 भोग बना दिए जाते हैं। कच्चा मिलू तो कोई पना बना के गटक लेता है, किसी किसी की अम्मा तो हमारा अचार डाल देती हैं। बताइए अचार डालने के लिए पैदा हुए थे हम? अजी हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि आप इंसानों को हम में यानी कि मैंगोज में ये राजाओं वाली कौन सी खूबी दिखी। मैं तो कहता हूँ कि मैं सभी मैंगोज यानी कि आम की तरफ से एक केस करना चाहूंगा, कचहरी जमाओ, जज बुलाओ, और आज हो ही जाए आम आदमी, आई मीन से आम के हक की बात। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, भाई हम जज हैं, हम आ गए, हम कहाँ बैठे हैं? हाँ, मुद्दे पे बैठे। ओके बोलो भाई, कौन है, क्या मिस्टर मैंगो क्या कहना चाहते हो आप? मी लॉर्ड, मेरा नाम है आम सिंह, मेरे पप्पा का नाम अल्फांसो पिंटो और मेरे दादा का नाम हापुस चौधरी। ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। ठीक है, जो भी कहोगे ठीक है, मान गए। ओके, कार्यवाही शुरू किया है। मी लॉर्ड, मैं आज से अभी से सभी मैंगोज की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमको किंग ऑफ फ्रूट्स के टाइटल से मुक्ति दीजिए, परेशान हो चुके हैं हम, नहीं रहना हमें किंग। अरे ठीक है भाई, इसमें क्या है, इमोशनल क्यों हो यार हो भाई तुम? लेकिन अपनी सीट वेकेट करने से पहले, आपको जाने से पहले, किसी और को किंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का राजा तो नॉमिनेट करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं जज साहब आप, बिल्कुल सही, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बताइए भाई कौन से? सर देखिए, गर्मियों का मौसम है तो आप वाटर मेलन को किंग रख लीजिए। वाटर लेमन? अरे जज साहब, वाटर लेमन नहीं, वाटर मेलन, कलिंगड़, तरबूज गर्मी के मौसम में बेस्ट रहेगा। अरे मिल बांट के खाओ, जूस बनाओ, डिजाइन बना के टेबल पे सजाओ, या फिर फैंसी कॉकटेल में मिलाओ, किंग ऑफ फ्रूट्स के लिए एकदम सही वाटर मेलन। देखो वैसे तो हमारा वाटर मिलन से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जाना पूरे साल भर का किंग चाहिए, ऐसे सिर्फ गर्मियों का नहीं। अगला ऑप्शन दो भाई, अगला ऑप्शन। अच्छा सर ठीक है, एप्पल, एप्पल को बना दे सर, एप्पल, सेब, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है सर, क्या बात है, और पूरे 12 महीने का साथ है सर, एप्पल को किंग ऑफ फ्रूट्स बना देते हैं सर, फाइनल। ओके सर फाइनल। अरे भाई नहीं नहीं, एप्पल नहीं, एप्पल नहीं, मेरे सेब नहीं, नो 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 नो, भाई डॉक्टर बिरादरी के लोगों ने एप्पल को किंग ऑफ फ्रूट्स बनाने पे स्टे ऑर्डर ले रखा है। हाँ है,
जज साहब पर क्यों? अरे भाई उन्होंने सुना नहीं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ तो उसी बात से नाराज है, पुरानी रंजिश है इनके बीच की। अच्छा सर, तो फिर ऐसा करते। अरे भाई कुछ नहीं करते भाई, तुम्हें किंग ऑफ फ्रूट्स बने रहने में ऐसी कौन सी तकलीफ है? है सब लोग तो तुम्हें प्यार से स्वीकार करते, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मिलॉर्ड अब क्या कहे, हम इकलौते ऐसे किंग हैं जो लोगों को बस साल के चार ही महीने याद आते हैं, और इन चार महीनों में भी लोग मेरा ऐसा तेल निकालते हैं कि पूछिए मत। पहले तो हमें कच्चा चबाते हैं, फिर मुझे चावल की बोरियों में भर भर के इतना पकाते हैं, और हमें तो क्या हमारी गुठलियों को तक के डकार मार के खा जाते हैं। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, ऐसे मुहावरे इन्हीं दिनों के लिए लिखे गए थे शायद। बस एक जिम्मेदारी थोप दी गई है हमारे ऊपर, किंग ऑफ फ्रूट्स बनने की। हमें ना ये किंग का ये जबरदस्ती वाला टाइटल और ना ही ऐसी तोहीन करने वाली प्रजा चाहिए सर, प्लीज। हमें तो सर एक सरल, सहज और सीधी जिंदगी जीनी है, बिल्कुल केले के जैसी। भाई हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उसका फैसला हमारे हाथ में नहीं होता मिस्टर मैंगो। आप एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप आम नहीं, खास हैं। नहीं सर, मैं आम हूँ। नहीं आप खास हैं। नहीं सर, मेरा नाम ही आम है। चेंज कर लो, आज से आपका नाम आम नहीं खास। लेकिन मी लॉर्ड, मैं कब तक ऐसे फर्जी किंग बनकर फ्री फंड में लोगों का परोपकार करता रहूंगा? कब तक, कब तक, कब तक? जब तक है आम, जब तक है आम, जब तक है आम। जज साहब, आप यहाँ न्याय करने बैठे ये फालतू की कवि सम्मेलन करने के लिए नहीं, प्लीज हमारी दरख्वास्त मानिए और हमें फ्री करिए इस राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कहीं देखो, एक बार के लिए मैं कविता सुनाना तो छोड़ सकता हूँ, पर आप राजा का पद ऐसे नहीं छोड़ सकते मिस्टर मैंगो। ना 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 ना, हरगिज नहीं। अगर राजा बने रहने के लिए आपकी कोई शर्त वर्त है तो वो बता दो, हम लागू कर देते। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है जज साहब, हम राजा का पद तभी स्वीकार करेंगे जब हमारी तीन शर्तें पूरी की जाएंगी। शर्त नंबर वन, ये जो ड्रैगन फ्रूट और कीवी जैसे विदेशी फल है ना सर, हमसे महंगे नहीं बिकने चाहिए सर, इज्जत खराब हो जाती देसी फलों की। शर्त नंबर दो, हमसे बनने वाले सारी फूड रेसिपीज, फिर चाहे वो आम पन्ना हो या मैंगो शेक, सबका सेवन करते समय इंसान को हमारे बलिदानों को याद रखना चाहिए। और शर्त नंबर तीन, हमारे सभी भाई बंधु को इज्जत भरे नाम मिलने चाहिए। ये लंगड़ा क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, लंगड़ा नहीं, लाजवाब ये नाम दीजिए सर। और ये दशहरी क्या, उनको ऐसा करिए दशहरी, ऐसा बोलना होगा इंसानों को। जज साहब ने हमारी तीनों शर्तों को गौर से सुना, हमारी और भी गौर से देखा, हमें अपने हाथों में उठाया, और फिर जब हमें लगा कि वो हमारे हक में फैसला सुनाने ही वाले थे, उन्होंने अचानक हमें खा लिया। अरे हम कहाँ हैं? ओ समझ में आया, हम जज साहब के पेट में हैं। क्या है ना दोस्तों, हमें समझ में आया कि वो केकेएम के लिसनर थोड़ी हैं, वो तो बस जज हैं। उन्हें थोड़े ही एक आम की आवाज सुनाई दे रही होगी। मतलब हमें लग रहा था कि वहाँ कोर्ट में हमारी दलीलें सुनी जा रही हैं, पर असल में तो वहाँ दो भाइयों के बीच आम के बगीचे की जमीन को लेकर केस चल रहा था। हम तो बस जज साहब के लंच ब्रेक का हिस्सा थे, जो अभी उनके पेट में सफर, अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं। तो प्रिय कहानियों का मंत्रा के सुनने वालों, इस सीजन जब आप चट कर आम खाने के लिए बैठे तो हमारी ये तीन शर्तें जरूर याद रखें, मीठी मीठी। अच्छा अब चलते हैं, और जाते जाते एक शेर कि दर्दे दिल दर्दे जिगर दर्दे कमर, दिल दर्द का गोदाम बनकर रह गया, अरे फल तो कभी मैं खास हुआ करता था, आपके पेट में गया तो बस आम बनकर रह गया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। M&M ओरिजिनल। दिस शो इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। Any names, characters, places and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listener's discretion is advised.